नमस्कार सभी को। और बहुत लोगों का ये सवाल था कि यूरोप जाने का कितना पैसा लगता है, यूरोप कैसे जाएं, वहाँ पे कहाँ जाएं। तो अब मैं इस बात को पूरी आपके सामने बताता हूँ कि आपको किस तरीके से यूरोप जाने की प्रोसेस को फॉलो करना है और किस तरह से जाना है आपको यूरोप तक। तो किस तरह से आपको सोचना है यूरोप जाने के लिए, वो मैं आपको आज पूरी तरह से बताता हूँ। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिए और पूरी चीज़ों का मैं आपका जो निवारण है वो करने की कोशिश करूंगा। तो मैं इस चीज़ के बारे में आपको बताने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर आप में से कोई यूरोप जाने की सोच रहा है और आपको प्रोग्राम्स के बारे में जानने या किसी तरह की कोई भी ऐसी चीज़ से रिलेटेड कुछ जानने की इच्छा हो तो आप हमारी एजेंसी फूडब्लेस को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ईमेल डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टाग्राम पर भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले सवाल आएगा कि यूरोप जाने की सही एज क्या है, मतलब किस एज में हमको जाना चाहिए यूरोप और वहाँ पे कितना टाइम बिताना सफिशियंट है और कितना टाइम बिताना चाहिए, तो इस बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो देखिए, अगर मैं बताऊँ कि यूरोप किस एज में आपको जाना चाहिए तो आप एक अनुमान आपके हिसाब से लगे कि आप कितना जल्दी यूरोप जा सकते हैं, मतलब आप कितना जल्दी सोच सकते हैं यूरोप जाने के लिए, ये उस पर डिपेंड करता है। अगर आप 12 साल की उम्र में यूरोप जा सकते हैं या आपके बच्चे को आप भेज सकते हैं यूरोप 12 साल की एज में, तो 12 साल की एज में भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जितना जल्दी उतना ज़्यादा बेटर है। लेकिन फिर भी अगर एक आइडियल एज हम देखें तो 14, 15, 16 इस एज में तो आपको भेज ही देना चाहिए यूरोप और इस एज में आपको चले ही जाना चाहिए। ये ऐसी एज है कि आपका अंडर 14 का जो कैटेगरी होती है उससे आप जस्ट निकलते हो और आप अंडर 18 एज ग्रुप में पहुंचते हो, तो ये बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा और ये बहुत सही टाइम भी रहता है। तो 14, 15 में अगर आप भेज देते हो तो बहुत अच्छी बात है, मतलब एकदम सटीक काम हो जाएगा, आप इस एज में जा सकते हैं। और ऐसा नहीं कि अगर आप थोड़े से लेट हो गए तो नहीं जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 18 में जा सकते हो तो 18 में जाइए। मैं एक बता रहा हूँ सबसे बेस्ट क्या है कि बेस्ट अगर आप 14, 15, 16 के टाइम चले गए तो बहुत ही शानदार काम है, या अगर आप 18, 19 में भी जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 18, 19 में जाते टाइम आप ये सोचिए कि आपने पहले इंडिया में कितना डेवलपमेंट लिया है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट चीज़ है कि वहाँ पर कितना समय आपको बिताना चाहिए, तो देखिए समय अगर आप ऐसे देखें तो मेरे हिसाब से मिनिमम अगर आप 4 साल बिताएं, मतलब डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के अंदर कि आप कहीं पे गए आप डेवलपमेंट ले रहे हो, तो 4 साल आपको देना चाहिए। क्योंकि 4 साल एक ऐसी चीज़ है कि आपको एक प्रॉपर यूरोपियन गेम में आप ढल जाओगे, तो 4 साल आपके लिए काफ़ी बेहतर है। और अगर आप 15 साल की एज में जाते हो तो आप सोचिए 16, 17, 18, 19, मतलब आप सोचिए कि आप 15 से 19 साल तक आप खेलोगे यूरोप में, तो कितना डेवलपमेंट आपको मिलेगा। और ये एक ऐसी एज होती है जहाँ पर आपको एकदम मोस्ट कॉम्पिटिटिव गेम्स आपको मिलना चाहिए आपके एकदम हाइएस्ट डेवलपमेंट के लिए। तो 4 साल आपको बिताना चाहिए, या 3 साल भी आप बिता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 साल मतलब अगर मैं मिनिमम बोलूँ तो 3 साल आपको बिताना ही चाहिए, 3 साल बहुत सही है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना बिता सकते हैं, जैसे 6 साल बिता लिए तो फिर तो बहुत ही माशाल्लाह वाले काम हो जाएगा, 6 साल तो बहुत है, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है। जितना ज़्यादा टाइम वहाँ पे आप कॉम्पिटिटिव गेम्स खेलेंगे, और ये भी नहीं कि आप बिता रहे हो मतलब आप ट्रेनिंग कर रहे हो, आपको गेम्स भी खेलना है, ठीक है। तो इसलिए ये सब चीज़ें मैटर करती है, आप कितना टाइम गेम टाइम के साथ बिता रहे हो, ये चीज़ है। तो आप समझ गए कि आपको किस एज में जाना चाहिए और कितना टाइम बिताना चाहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला सवाल ये है कि अब आपको किस कंट्री में जाना चाहिए। तो देखिए अगर हम देखें कि इंडियन प्लेयर्स को किस कंट्री में जाना चाहिए, मैं उस बारे में बताऊंगा, क्योंकि बहुत से दूसरे देश के भी प्लेयर्स हैं जो और भी अलग अलग कंट्रीज में जाते हैं, लेकिन इंडियन प्लेयर्स के लिए कहाँ जाना ईजी है और कहाँ उनको बहुत सही डेवलपमेंट मिलेगा, मैं इस बारे में आपको बताऊंगा। इंडियंस का सबसे मेन स्पॉट अगर कोई बोलेंगे तो वो स्पेन है, जहाँ पे मोस्टली इंडियंस जाते हैं, ठीक है, जर्मनी जाते हैं और इंग्लैंड जाते हैं, मतलब इन 3 कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा जाते हैं इंडियंस। और सबसे इजी जाना जो मैं बोलूँगा और सबसे सही डेवलपमेंट अगर आपको कहीं मिलेगा वो है स्पेन में, अभी के हिसाब से, क्योंकि सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज स्पेन में मिलती है और स्पेन में जाना इंडियंस के लिए ईजी भी रहता है और बहुत सही भी रहता है। और इंग्लैंड में क्या होता है, बहुत पैसे लगते हैं पाउंड में, क्योंकि पैसे लगते हैं तो ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ता है। स्पेन में कम पैसा लगता है क्योंकि यूरो लगता है। और जर्मनी में ऑप्शंस बहुत कम है, बस ये दिक्कत है, जर्मनी में ऑप्शंस इतने कम है कि बाहर से आप वहाँ पे प्राइवेट एकेडमीज या डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए ऑप्शंस नहीं है, स्पेन में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए चूज़ करते हैं इंडियन स्पेन को। और बाकी और भी कंट्रीज़ है बहुत बेटर डेवलपमेंट के लिए, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए अभी कुछ सोर्सेज नहीं है कि आप वहाँ पर कहाँ जाएंगे ये सब चीज़ें, क्योंकि वहाँ पर वो इंटरनेशनल प्रोग्राम्स या इंटरनेशनल प्लेयर्स के लिए प्लेटफॉर्म्स नहीं है वहाँ पर अभी सही तरीके से
मतलब एमेचर फुटबॉलर या नॉन प्रोफेशनल फुटबॉलर्स के लिए, इसलिए मैं अभी वहाँ के बारे में आपको नहीं बता पाऊँगा, पर आगे आने वाले वर्षों में वहाँ के लिए भी अपॉर्चुनिटीज बन जाएगी। तो अभी फिलहाल में देखें तो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए स्पेन है, और आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा तो आप इंग्लैंड को भी चूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन स्पेन में क्या है कि कम खर्चा, डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, और स्पेनिश फुटबॉल आपको पता ही है फिर क्या चीज़ है। तो आई होप कि इस बारे में भी आपकी जो शंका रही होगी वो दूर हो गई होगी। अब अगला सवाल आएगा कि यहाँ पर इंडियन प्लेयर्स के साथ कैसा सलूक होता है, उनको वहाँ पर कितना गेम टाइम मिलता है, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में आएगी कि भाई इतना पैसा हम लगाएंगे तो वहाँ पर हमारे साथ कैसा बर्ताव किया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहली बात कि इंडियंस के साथ ही नहीं, बाकी किसी भी कंट्री के प्लेयर्स के साथ स्पेन में आप जाइए, कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के अंदर कोई भी भेदभाव भी नहीं होता और कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपको प्रॉपर गेम टाइम सभी प्लेयर को दिया जाता है, क्योंकि वो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है। वहाँ पर अगर आपको गेम टाइम नहीं मिलेगा फिर किस मतलब का डेवलपमेंट ना। तो वहाँ पर सभी प्लेयर्स को गेम टाइम मिले, इस हिसाब से वो लोग वर्क करते हैं, तो आपको गेम टाइम वहाँ पर मिलेगा और आपके साथ सही सलूक होगा एज अ प्लेयर या एज अ सिटीजन। किसी भी तरह से आप देखें आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल जा सकते हैं। तो इस चीज़ में आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। अगर आप एज अ पेरेंट ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने बच्चे को बिल्कुल भेज सकते हैं, और अगर आप प्लेयर हैं और जाना चाह रहे हैं तो इस मामले में आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आपके दिमाग में आएगा जो कि सबसे मेन मुद्दा है कि भाई इतनी सब चीज़ों के लिए पैसा कितना लगेगा। तो भाई पैसा तो बहुत लगेगा, सिंपल सी बात है, लाखों में लगेगा, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कितनी हाई क्वालिटी या कितने बड़ी जगह पे जा रहे हो, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं बताऊं तो आपको मिनिमम 12 लाख रुपए से लेकर 18, 20, 22 लाख तक की एकेडमीज वहां पर है जो आपको प्रॉपर एकदम टॉप क्लास डेवलपमेंट देगी, ठीक है। मतलब 12 लाख से 22 लाख तक, और भी आगे भी है, मैं लेकिन एक नॉर्मल बता रहा हूँ कि इतने तक मैं आपको बहुत सॉलिड एकदम टॉप क्लास। तो इतने रुपए आपको लगाना पड़ेगा पर सीजन, मतलब एक साल रहने के लिए आपको इतने पैसे खर्च करना पड़ेगा। मतलब मिनिमम आपको 12 से 13 लाख जो कुछ एकेडमीज है, कुछ एकेडमीज में 18 लाख तक है, कुछ एकेडमीज 20 लाख तक है, इस टाइप से, ठीक है। और कुछ एकेडमीज में स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स भी है, लेकिन वो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी कैसे। तो देखिए, अगर आप हमारे थ्रू जाते हैं, हम मेरी एजेंसी के थ्रू, और अगर आप एक बहुत टॉप प्लेयर, आपकी सीवी बहुत टॉप है, तो आपको स्कॉलरशिप हम दे सकते हैं और आपके बहुत पैसे हम लेस कर सकते हैं। इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वी वांट डेवलपमेंट ऑफ इंडियन प्लेयर्स, तो उसके लिए हम वर्क करते हैं। तो अगर आप एक बहुत टॉप प्लेयर हो, जैसे कि मैं टॉप प्लेयर में बता रहा हूँ कि आप बहुत प्रोफेशनल इंडिया टाइप के प्लेयर हो, तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी एक अच्छी। वैसे आपको पूरे पैसे पे करना पड़ेगा, उसमें फिर हम डिस्काउंट आपको ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो ये बात आप समझिए। और अगर आपके दिमाग में ये आए कि आप डिस्काउंट कैसे दे सकते हैं या आप इतने पैसे कम कैसे कराएंगे, तो भाई हमारी बहुत अच्छी बिजनेस पार्टनरशिप है, जिसके तहत हम बहुत डिस्काउंट भी दे देते हैं कुछ टॉप प्लेयर्स को, लेकिन सिर्फ टॉप प्लेयर्स को। ये बात आप जानिए, ऐसा नहीं कि आप कोई भी हो और आप बोलें कि हमको भी ये डिस्काउंट चाहिए, तो देखिए मैं वो नहीं कर पाऊंगा। आपका गेम मैटर करता है, उसके तहत ही आपको डिस्काउंट या स्कॉलरशिप जो है वो चीज़ें मिल पाएगी। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होने की ज़रूरत है, या फिर अगर आप टैलेंटेड नहीं है, आपके पास पैसे है, तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप जाइए वहाँ पर टैलेंटेड बनिए। अगर वहाँ पर जाकर भी आप बहुत टैलेंटेड बनते या बहुत अच्छा डेवलपमेंट करते हैं, तो आपके पैसे वहाँ पर भी कम किए जा सकते हैं, इस चीज़ के लिए भी आप निश्चिंत रहें। लेकिन अगर आप रिस्क ले सकते हैं इन्वेस्ट करने का कि मैं इतना इन्वेस्टमेंट लगा के एक टॉप प्लेयर बनूंगा, तो आप बिल्कुल लीजिए। क्योंकि कई प्लेयर्स आपके सामने एग्जांपल है जो मैं आगे बताऊंगा, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है और आज वो टॉप प्लेयर आईएसएल में खेल रहे हैं, आई लीग में खेल रहे हैं, इंडिया टीम तक पहुंच गए। तो इस चीज़ की कोई दिक्कत ही नहीं कि आपके सामने एग्जांपल्स नहीं है। अगर इतना पैसा लग रहा है तो आपको डेवलपमेंट भी मिलता है, ऐसा नहीं है कि आपका पैसा वेस्ट हो रहा है। आज आप सेकंड डिवीजन कहें या आई लीग कहें या आईएसएल कहें, बहुत सारे प्लेयर्स फॉरेन में जाकर डेवलपमेंट लेकर आए हैं और बहुत टॉप क्लास की परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो आपका पैसा व्यर्थ नहीं जाता है जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने फॉरेन जाकर डेवलपमेंट करने के लिए। तो ये एक बहुत अच्छी सोच है, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं फॉरेन जाऊं, बिल्कुल जाइए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप हमारी एजेंसी फुटब्लेस को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वी विल प्रोवाइड यू प्रॉपर गाइडेंस, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब अगला सवाल आपके दिमाग में आएगा कि यूरोप हम गए, वहाँ पर डेवलपमेंट लिया, अब वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है हमारे लिए। तो देखिए, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। अगर आपकी एज कम है तो आपको वहाँ पर यूथ लीग मिल सकती है, ठीक है। अगर आपकी एज अबव 18 है तो आपको वहाँ पर सीनियर लेवल क्लब्स मिल सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि स्पेन में बहुत ज़्यादा लोअर डिविजन्स में पैसे आपको नहीं मिलेंगे,
ठीक है, ये मैं आपको अभी से बता दूं, ये मत सोचिए कि आपने कोई फोर्थ डिवीजन क्लब साइन कर लिया तो अब आप बहुत अमीर हो गए। लोअर डिवीजन्स में भी आपको खुद का पैसा लगाना पड़ेगा आपके रहने के लिए, बस यही कि आपका डेवलपमेंट का पैसा नहीं लगेगा, लेकिन आपको एटलीस्ट वहाँ पर रुकने का, खाने का ये सब तो लगेगा, क्योंकि लोअर डिवीजन्स में पैसा नहीं है, और कहीं मिलता भी है ना तो इतना कम मिलता है कि आपकी उतनी खास लिविंग नहीं हो पाएगी। अगर कुछ क्लब्स देते हैं तो उतना नहीं देते हैं, और कई क्लब्स नहीं देते, सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एक तो आप जाते हो स्टूडेंट वीज़ा पे, ठीक है, आपका वर्किंग वीज़ा नहीं लगता है, आपका स्टूडेंट वीज़ा रहता है या फिर कोई भी, क्योंकि वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो सीनियर लेवल पे जो अच्छे टॉप क्लब्स है वो वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, छोटे क्लब्स जो होते हैं ना फोर्थ डिवीजन फिफ्थ डिवीजन इनमें आपको वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता है। तो आप ये मत सोचिए कि हमारे जो कई इंडियन प्लेयर्स है वो फोर्थ डिवीजन फिफ्थ डिवीजन खेलते तो बहुत पैसा कमाते हैं, बिल्कुल नहीं, ठीक है, वो टॉप लेवल में आप ला लीगा 2 ज्वाइन कर रहे हो या ला लीगा 3 ज्वाइन कर रहे हो उसमें आपको पैसा मिलेगा, तो नीचे फोर्थ टेरसरा वेरसरा डिवीजन होते हैं ना इनमें कोई पैसा ऐसा नहीं मिलता, ये नॉर्मल है, और पैसा मिलता भी है तो बहुत कम मिलेगा, ऐसा नहीं कि आप बहुत एकदम कार खरीदोगे हर महीने, इस टाइप का कोई पैसा नहीं, आपका थोड़ा लिविंग में हेल्प हो सकती है इतना मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा बस, क्योंकि आप वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं हो ना, वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट में आपको बहुत अच्छा खासा पैसा मिलता है, जब आप उसमें हो ही नहीं तो आपको कहाँ से पैसे की उम्मीद नहीं कर सकते आप। अब आपके दिमाग में आएगा तो फिर क्या मतलब, नहीं, ये यहाँ पर आपको लेवल बहुत अच्छा मिलेगा गेम के लिए, और उस लेवल के अंदर आप खेलेंगे तो आप सोचिए आपके सामने क्या अपॉर्चुनिटीज है, आपको टेरसरा डिवीजन पे खेल रहे हो आप तो आपके सामने क्या खतरनाक प्लेटफॉर्म है, वहां से आप एक लेवल ऊपर भी गए तो आपको पैसों वाला कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है बहुत अच्छा, और एक बहुत अच्छे क्लब में मिल सकता है, और आपके सामने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिल पाएगा, तो इस चीज़ के लिए आप इस चीज़ को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसलिए आप ये मत सोचिए कि वहाँ पर पैसा नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा या बहुत कम मिलेगा तो हम क्यों खेलें, तो ये चीज़ आपको नहीं सोचना है, ठीक है, तो ये बात मैंने आपको क्लियर कर दी, ठीक है, तो आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है कि आप अंडर 18 हो तो आप यूथ लीग में खेल सकते हो, ठीक है, और अबव 18 हो तो आप ऐसे क्लब्स में जा सकते हो, ठीक है, या आप कोई अच्छी बड़ी ट्रायल निकाल लो तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर आप में कुब्बत है तो बड़ी ट्रायल निकाल लो, ला लीगा 2 ला लीगा 3, तो आपको पैसे की भी टेंशन नहीं, आपको वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट भी मिल जाएगा, और अगर आप वहाँ पे किसी एजेंट के अंडर भी खेलते हो तो वो भी आपको ट्रायल्स पे भेजेगा, ठीक है, आप वहाँ पर ट्रायल्स निकाल लेते हो तो आप वहाँ पर खेलोगे, और हो सकता है कि वो आपके लिए कुछ पैसों का नेगोशिएशन कर ले, बस इतना हो सकता है, लेकिन आप किसी बहुत बड़े अमाउंट की उम्मीद नहीं कर सकते, ठीक है, बस ये सोचिए कि आपको एक बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन मिलेगा, आपको बहुत अच्छा डेवलपमेंट भी मिलेगा उस लीग के अंडर, जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल्स है ना, तो ये सब चीज़ें आपको मिलेगी, तो उस हिसाब से आप इन लीग्स में भी खेल सकते हैं, भले आपके थोड़े से पैसे लगें, आपको कम पैसे मिले ये मत सोचिए। तो ये हो गई आपके यूरोप में अपॉर्चुनिटीज़ की बात, ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे कि इंडिया में अगर आप वापस आएँ तो आपके सामने क्या अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी। तो देखिए, अगर आप उधर 4-5-6 साल खेलोगे तो एक अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास ये है कि आपका ऑलरेडी इंडिया में काफ़ी नाम हो जाएगा, तो आपको डायरेक्ट ISL क्लब मिल सकता है, ठीक है, जैसे ईशान भाई को मिल गया, और अगर आप 3-4 साल भी रहते हो तो एटलीस्ट आप ये सोचिए कि आपको सेकेंड डिवीजन क्लब तो मिलेगा ही, सेकेंड डिवीजन क्लब की ट्रायल आप इजिली निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं रहेगी, और आपको कई एजेंट्स जो है वो इजिली आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे और आपको प्लेटफॉर्म देना चाहेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि आप वहाँ पर कितना अच्छा डेवलपमेंट लेकर आए होंगे और आप उनके लिए भी कितना फायदेमंद हो सकते हो और टीम्स के लिए भी कितना फायदेमंद हो सकते हो, तो जो किसी भी टीम के स्काउट्स भी आपको जरूर चुनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको इंडिया में काफ़ी अच्छे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे बाहर 3-4 साल बिताने के बाद। और अगर आप वहाँ पर कोई लीग खेल लेते हैं जैसे टेरसरा डिवीज़न या उससे ऊपर की, तो ऐसी अगर आप लीग खेल लेते फिर तो आप एक बहुत अच्छे प्लेयर में आ जाओगे, फिर तो ऐसा हो सकता है कि आप ISL के बहुत अच्छे क्लब्स में भी जा सकते हो, तो इंडिया आकर तो आपको टेंशन नहीं लेना, आपको बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे, तो इस हिसाब से भी आप सोच सकते हैं कि मैं यूरोप जाऊं 3-4-5 साल डेवलपमेंट लूँ और वापस इंडिया आके भी बहुत अच्छा खेलूँ, ये भी आप सोच सकते हैं, या अगर आप सोच रहे हैं कि मैं यूरोप में ही बहुत अच्छा करना चाहता हूँ, वहाँ पर आप अच्छी ट्रेनिंग लीजिए, ट्रायल्स निकाल लीजिए, तो आपको यूरोप में बहुत अच्छे क्लब्स मिल जाएंगे, चांसेस मिल जाएगा, आपको इंडिया आने की जरूरत नहीं है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि यूरोप में आपको किस तरह से अपॉर्चुनिटी रहेगी और इंडिया में कैसी रहेगी, ठीक है, और पैसों का भी आप समझ गए कि आपकी अर्निंग किस टाइप से होती रहेगी, ठीक है, मतलब वहाँ पे लोअर लीग्स में किसी में पैसा मिलता है किसी में नहीं मिलता है, ठीक है, और मिलता है तो बहुत कम मिलता है, ये चीज़ आप समझ लीजिए, ठीक है, इसलिए कई बार ऐसा भी होता है कि इंडिया आ जाते हैं प्लेयर्स और यहाँ पर उनको अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है पैसों का, क्योंकि ये स्वाभाविक सी बात है कि इंडिया में आप टॉप डिवीजन में आ जाओगे वहाँ आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, लेकिन आप यूरोप में आप लोअर लीग में रहोगे, अगर आप वहाँ पे भी टॉप डिवीजन में खेल लोगे और वहाँ पे टॉप डिवीजन में कितना पैसा मिलता है आपको पता ही है, तो बस यही है बात, तो आप समझ गए ना पूरी चीज़। और मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल्स बता देता हूँ कि कौन लोग सक्सेसफुल हुआ है यूरोप जाके इंडिया आए और इतना खतरनाक नाम उन्होंने बनाया। तो आप देखिए कि सबसे पहला नाम तो ईशान पंडित भाई का आता है कि इतना डेवलपमेंट किया उन्होंने 5-6 साल और इंडिया टीम में। दीपेंद्र नेगी को आप जानते होंगे जो स्पेन में थे, फिर वो ISL में केरला ब्लास्टर्स में आए थे। फिर आप नेमिल भाई को देख सकते हैं जो FC गोवा में खेल रहे हैं,
है ना। तो ऐसे ढेर सारे प्लेयर्स हैं आई लीग में, सेकंड डिवीजन में, आईएसएल में, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो यूरोप गए हैं, कुछ सालों का डेवलपमेंट लिया है, कुछ ने वहाँ पर लीग भी खेली है, कुछ ने लीग नहीं खेली, डेवलपमेंट लेकर वापस आ गए। तो ऐसे कई प्लेयर्स हैं, तो आप भी जा सकते हैं। कोई आपको चिंता करने की बात नहीं कि क्या मेरा वहाँ पर डेवलपमेंट होगा, मुझे क्लब्स मिलेंगे कि नहीं, मेरा पैसा तो बर्बाद नहीं हो जाएगा, ये सब चीज़ें दिमाग में आती है। लेकिन ये चीज़ कब सही होगी? जब आप वहाँ जाओगे, आप जब वहाँ पर जाओगे तब आपको पता चलेगा ना एक्चुअल में चीज़ क्या है, है ना। इधर ऐसा सोच लेते कई लोग कि यार वहाँ तो इतना टफ गेम है, मैं वहाँ पे खेल पाऊंगा कि नहीं खेल पाऊंगा। देखिए आप सोचिए मत, आप जाइए, आप खेल पाओगे, क्योंकि वहाँ जाकर आपका माइंडसेट और बड़ा हो जाएगा। क्योंकि ऐसा लगा, अरे मेरे सामने इतना बड़ा कॉम्पिटिशन है, अब तो मेरे को मेहनत करना पड़ेगा। तो आप मेहनत और जोरों से करोगे, जो कि आप यहाँ पे एक्चुअली में अभी नहीं कर रहे होंगे, वहाँ जाकर आप तीन गुना मेहनत करोगे। क्यों? क्योंकि एक, आपके पैसे भी लगे हुए हैं, तो आप सोचेंगे कि यार मेरे पैसे बर्बाद ना हो जाए मम्मी पापा के, तो इसलिए आप और मेहनत करोगे, ये एक्चुअली में होता है। तो इसलिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप जरूर जाइए, 2-3 साल आप वहाँ पर इन्वेस्ट करिए और आप देखिए इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। आप खुद ही सोचिए, आप 3 साल एक ऐसे देश में खेल रहे हो जहाँ की फुटबॉल टीम वर्ल्ड कप में खेलती है, उस लेवल की जगह पे आप खेल रहे हो। तो आप अगर वहाँ पे मान लो को वहाँ पे क्लब नहीं भी मिला, तो इंडिया के आपको क्लब नहीं मिलेगा, ये आप कैसे सोच सकते हैं? आपको मिलेगा। तो इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल नेगेटिव नहीं होना, आपको पॉजिटिव रहिए। अगर आपके पास पैसा है, आप लगा सकते हैं, तो आप बिल्कुल जाना है आपको, जाइए। और अगर आपको कुछ गाइडेंस चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बिल्कुल मदद करूंगा और आपकी बाहर जाने में भी हेल्प करूंगा, कोई उसमें इशू नहीं है। तो मैं समझता हूं कि आपकी सभी समस्याओं का निवारण मैंने कर दिया होगा इस वीडियो में। कई लोगों ने ये चीज़ क्योंकि पूछी थी यूरोप के बारे में, तो मैंने हर चीज़ आपको बता दी मेरे ख्याल से। लेकिन फिर भी अगर मैंने कुछ छोड़ा हो तो आप कमेंट में लिख दीजिए, तो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ को कवर कर दूंगा। और अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो भी कोई दिक्कत नहीं भाई, आप इंडिया में डेवलपमेंट लीजिए, इंडिया में भी तो कई लोग खेल खेल के इंडिया टीम तक पहुंचे हैं ना। आपको बस ये सोचना है कि आपको किस तरह से आगे बढ़ना है। अगर आप यूरोप जाकर बढ़ सकते तो यूरोप जाइए, अगर आप इंडिया में ही रह सकते तो इंडिया में रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप यूरोप जाएंगे तो ही आप बहुत बड़े टॉप प्लेयर बनेंगे, इंडिया में रहकर ही बन सकते हैं ना। इतने टॉप प्लेयर्स जो खेल रहे हैं इंडिया में ही रहे हैं, कहीं बाहर तो नहीं गए। तो आई होप कि आपके दिमाग में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, और अगर होगी तो आप कमेंट में लिख दीजिए बिंदास एकदम। और इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए, और आप आईएसएल को बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं आप बिल्कुल कीजिए। और बहुत जल्द हमारी वुमेन्स टीम ब्राज़ील के अगेंस्ट खेलने वाली है, तो बहुत ही देखने लायक चीज़ होगी। तो बस आपका सपोर्ट यूं ही बनाए रखिए भारतीय फुटबॉल के लिए, क्योंकि हम सब मिलके काम करेंगे तो एक दिन जरूर फतेह करेंगे, बस यही कहना चाहता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।